वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश को 109 रनों के बड़े अंतर से हराकर अब क्वार्टर फाइनल अपने नाम टीम इंडिया ने कर लिया है। बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के टीम इंडिया पहुंच गई है। शानदार प्रदर्शन आज टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों की ओर से, रोहित शर्मा के अलावा सुरेश रैना और इसके अलावा गेंदबाजों ने इस वक्त शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया का सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर दिया है। अब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान के विजेता से टीम इंडिया की भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि जो तीसरे क्वार्टर फाइनल का विजेता होगा उससे टीम इंडिया की अब भिड़ंत होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। शानदार प्रदर्शन तमाम खिलाड़ियों का, रोहित शर्मा ने 137 रनों की पारी खेली है आज, सुरेश रैना ने 65 रन बनाए हैं। इसके अलावा अगर गेंदबाजों की बात की जाए, उमेश यादव ने 4 विकेट अपने नाम किए हैं, मोहम्मद शमी ने 2 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट अपने नाम किए और टीम इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। काफी उत्साह लोगों में पहले से ही देखा जा रहा था, जश्न मनना पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में है। सेमीफाइनल में मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान की विजेता से। आज टीम इंडिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दो खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हमने देखा, जिसमें रोहित शर्मा ने 137 रनों की पारी खेली, सुरेश रैना ने 65 रनों की पारी खेली और उसके बाद 302 रन टीम इंडिया ने बनाए थे। 303 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश के सामने रखा था, लेकिन बांग्लादेश की टीम 193 रन पर सिमट गई और 109 रन से टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। खिलाड़ियों के चेहरे पर इस वक्त खुशी साफ नजर आ रही है। देश भर में और दुनिया भर में जो क्रिकेट के फैंस हैं, टीम इंडिया के फैंस हैं, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में।